नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, डिस्को राजा टॉलीवुड इंडस्ट्री के और एक धमाकेदार एक्शन मूवी जो रिलीज होने जा रहे हैं 26 जनवरी को। बात करेंगे इस फिल्म की प्रिडिक्शन, यानी दोस्तों फिल्म की बजट, फिल्म कितनी स्क्रीन पे रिलीज होगी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए कितने करोड़ की बिजनेस करने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, डिस्को राजा जैसे डायरेक्ट किया है बी आनंद ने, वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है राजनी तालुरी ने। बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट पे देखने को मिलेगा आपको रोबी तेजा, नाबा नतेश, बॉबी सिमा, तनया होप और पायल राजपूत को। एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है दोस्तों, जिसमें रोबी तेजा बहुत दिन बाद एक नए अवतार में आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है फिल्म कितना मजेदार होने वाला है। फिल्म में दोस्तों एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा सब देखने को मिलेगा। टोटली एंटरटेनमेंट मूवी है दोस्तों, जो हर किसी को देखने चाहिए। बात करें दोस्तों फिल्म की बजट की, तो दोस्तों डिस्को राजा मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए है 25 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों रवि तेजा की मूवी डिस्को राजा के टोटल बजट हो जाता है 28 करोड़ रुपए। तो दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे एवरेज हिट होने के लिए भी 40 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों डिस्को राजा मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही अपने बजट क्रॉस रिकवरी कर ली थी, वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों डिस्को राजा मूवी के डिजिटल राइट्स, यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके है 16 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स, यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने का राइट्स बिके है 20 करोड़ रुपए में। और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके है लगभग 4 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों डिस्को राजा मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर 40 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात करें दोस्तों स्क्रीन काउंट की, तो दोस्तों इस वक्त तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री में और 2 सुपरस्टार की मूवी लगी हुई है, जिसमें से एक तो है महेश बाबू की फिल्म शरीलारू निक केबर और दूसरा है स्टाइलिश सिस्टर अल्लू अर्जुन की मूवी अला बेकुंटा पुरामलो, जो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुली रनिंग पे है। उसी के हिसाब से दोस्तों डिस्को राजा मूवी इंडिया में लगभग 1800 स्क्रीन पे रिलीज होने जा रहा है। ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 200 स्क्रीन पे रिलीज किया जाएगा। यानी दोस्तों डिस्को राजा मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड 2000 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है। बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों रोबी तेजा जो की एक एंटरटेनमेंट पावरफुल हीरो है टॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत है टॉलीवुड इंडस्ट्री में। उसी के हिसाब से दोस्तों फिल्म अपने पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे एक्सपेक्टेड अर्न कर सकता है 10 करोड़ रुपए। वही अगर फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों फिल्म डिस्को राजा इंडिया बॉक्स ऑफिस पे लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 40 करोड़ तक कर सकते हैं। वही अगर फिल्म को अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों डिस्को राजा मूवी इंडिया बॉक्स ऑफिस पे लाइफ टाइम 100 करोड़ भी क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या दोस्तों, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा आखिर कितना कमल कर पाएगा ये फिल्म। तो दोस्तों आपका है क्या कहना फिल्म डिस्को राजा के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और डिस्को राजा के पल पल बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।